सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिआं दा अपने यूट्यूब चैनल ते। अज बनाउण लगे हां जी आपां चटपटी जी करारी जी दही चाट पापड़ी, बहुत ही टेस्टी हुंदी जिहड़ी। इह आपां जी मैदा लै लिआ, मैदा मैं 2 कौलियां पाईआं जी। आपां अपने परिवार दे हिसाब नाल मैदा लै सकदे हां, वध घट वी। वैसे जे पापड़ी बना के रखदे ना ते महीना ही खराब भी नहीं हुंदी जी, आपां किसे डब्बे दे विच बंद करके रख दो, जदों भी अपना मन करे आपां पापड़ी बना खा सकदे हां। जदों बणी पई होवे फिर सौखा हो जांदा। ते जी आपां 2 कौलियां मैदे दीआं, ते विच ना इहदे 2 चमचे सूजी दे पा ले। इहनूं मैं छान लिआ चंगी तरहां, ते बहुत ही वधिया बणदी जी दही चाट पापड़ी। ते विच पावांगे जी 1/2 चमचा लूण दा, ते उस तों बाद जी पावांगे आपां घिओ। वैसे तां घिओ जी आपां 1/4 हिस्सा पाउणे हुंदे आ जिन्ना आपां मैदा लवांगे, ते बाकी आपां इहनूं पा के ना ते मुलायम करके देखदे आ मिक्स करके, जे आपां नूं जरूरत पऊ तां आपां होर पा लांगे। ते बाजार तां अज कल बंद हुंदे आ जी, इस टाइम वी 2 वजे तिकर ही खुलदा बाजार 10 तों लै के। ते वैसे लॉकडाउन दे कारण आपां बाजार चों कोई भी चीज़ लैके नहीं खा सकते, कोई गोल गप्पे भल्ले इस तरह ना पापड़ी, ते आपां घर ही बनाओ। बच्चों की डिमांड रहिंदी है कुछ ना कुछ चटपटा जिहा खाणा, ते आपां अपने घर विच ही बना सकते हां। ते लो जी आपां 1/4 हिस्सा ही पाया घिओ दा, जिन्ना मैदा उहदा 1/4 हिस्सा, माड़ा मोटा घट वध भी हो सकता भी कोई गल नहीं। इहदे विच कुछ नहीं आपां कोई बेकिंग पाउडर नहीं पाउणा, जे भी आपां पूरियां बनाउणे आ कई वारी है ना उहनां दे विच आपां बेकिंग पाउडर पाउणे आ वी उह फुल जाण चंगी तरहां, ते इहनां दे विच नहीं आपां पाउंदे हैगे जी, इहनां दी कोई फलाउणियां नहीं आपां। लो जी अपनी इस मुट्ठी जी बंद होणी चाहीदी है, बस मैदा चक्किआ इकट्ठा जिहा होणा चाहीदा, इन्ना घिओ पायो। ते हुण आपां इहनूं नॉर्मल पाणी नाल ही गुन्न लैणा, टाइट गुन्नना आपां सख्त आटा, जिवें आपां पूरियां दा गुन्नदे हां सख्त। थोड़ा थोड़ा पानी पा के आपां इहनूं मिक्स करी चलांगे, ते सख्त आटा गुन्न के तैयार कर लांगे। लो जी आपां थोड़ा थोड़ा पानी पा के ना पूरा सख्त आटा जिहड़ा गुन्न के मैदा तैयार करना। एकदम पानी ना पायो फिर ना इह ढिल्ला हो जांदा, फिर आपां नूं दिक्कत आउंदी है बनाउण वास्ते पापड़ी। आ देखो आपां पूरा टाइट गुन्निआ ना, लो जी आपां मैदा चंगी तरहां गुन्न लिआ टाइट, ते 10 मिनट ना ढक के रख लांगे। उस तों बाद इक वार आपां चंगी तरहां फिर मसल लांगे। तो उधर आपां कड़ाही च पा के तेल रिफाइंड गर्म कर लैंदे हां। लो जी 10 मिनट हो गए अपने मैदे गुन्न के रखे नूं, ते हुण आपां थोड़ा जिहा हथ नूं घिओ ला के ते इहनूं चंगी तरहां इक वार फिर आपां मसल लैंदे हां। फिर ना इह मुलायम बण जांदा वधिया, ते चंगी वधिया पापड़ियां बण जाणगियां आपणूं। चलो जी आपां इहनूं मसल लिआ, ते हुण आपां इहदे बनाउणे आ पेड़े। ते आपां रोटी दी तरहां इहनूं वेल लांगे पेड़ा ना बना के चंगी तरहां, ते सिरक ते ही वेल लांगे पतला पतला, रोटी तों पतला वेलणा इहनूं आपां। लो जी आपां सिरक ते घिओ ला के ते वेलने ते घिओ ला लिआ थोड़ा जिहा, ते हुण आपां रोटी दी तरहां वेल लैंदे हां। रोटी नालों इहनूं पतला वेल लांगे, रोटी आपां थोड़ी जिही मोटी हुंदी इहनूं बिलकुल पतला कर लांगे, ते फिर इहदीआं पापड़ियां आपणीआं बहुत ही वधिया बणनगीआं। लो जी आपां रोटी दी तरहां इहनूं वेल लिआ, रोटी नालों पतला इक सार वेल लिआ इहनूं सारियां साइडां तों। देखो ते आपां हुण जां तां इक ढक्कण लै लो जां छोटी कौली लै लो, कोई भी चीज़ आपां लै लो उहदे नाल कट लो। पहलां ना आपां फोक दे नाल कट लगावांगे इहदे विच इस तरहां,
लो जी आप फोक दे कट जे लगाए दे सारे फिर फूलूगी नहीं। तो हम आप इस ढक्कन के नाल छोटे छोटे गोल गोल पीस कट लें। लो जी आप सारिया पापड़ियां इस तरह कट लिया। तो हम आप बाकी का जरा मैदा होगा आप दोबारे फिर पेड़ा बना लाँगे। लो जी आप सारिया इस तरह ही बना के रख लें तो फिर आप फ्राई कर लाँगे। लो जी आप बना लिया अपनिया पापड़िया तो हूँ आप फ्राई करते हैं। तेल हो गया गर्म, तेल आप एक बार थोड़ा जहा गर्म करके बाकी ना आप गैस घट कर देंगे तो घट गैस से बहुत वधिया बनेंगा। तो जे ज्यादा गर्म तो बनावे फिर अंदर कच्चिया ही रह जाते। लो जी आप कड़ाही दे पाई जाने तो हम गैस आप घट कर दिता, सेक जरा घट होना चाहिए। लो जी अपने आप ही ना उपर जिन्हों आ जाते ना तो उन्ना टाइम आप हिला नहीं आ देखो अपने आप ही उपर आ गई है। फिर आप दूसरा सैड कर देंगे दोनों सैडा तो चंगी तरह सेक लाँगे पका लाँगे इन्हों। लो जी अपनी पापड़ियाँ बन के तैयार आ, चंगी तरह गोल्डन हो गई है। एक पूर तलन से ना फ्राई करन से 15 से 20 मिनट लग जाते फिर जाके कि सही बन दिया चंगी तरह जो पक जा कच्चिया नहीं रहा। लो जी हम आप चंगी तरह ब्राउन कर लिया तो इन्हों कट दें बाकी जड़िया बनाई हुई उन्होंने पा दें। तो बाजार नालों तो कितने वधिया बन गए जी आप जो बाजार चो खाने ना पापड़ी वो नालों तो कदे ज्यादा ही वधिया बन दी तो आप घर साफ सफाई के नाल बनाने है ना। मेहनत तो बहुत ज्यादा होंगी है तो पर टाइम लग जाता पर टेस्टी भी बहुत बनती है तो आप तसली ना बनाने अपनी तसली दे नाल। तो लो जी इस तरह ही आप बाकी दियां फ्राई कर लें। बस एक बार तेल थोड़ा जहा गर्म करे उस तो बाद घट सेकते घट करके ना सेका तुसी फिर बनाउणियां इह ज्यादा सेकते ना बनायो। लो जी पापड़ियाँ आप कुछ बना लिया इधर आप छोटिया बना लिया तो उस तो बाद आप थोड़िया जी बड़िया बना लिया तो इन्हों आप स्टोर करके रख सकते हैं जी कलियाँ पापड़ियाँ इस तरह ना किसी डब्बे के भर के रख सकते हैं जो भी अपना मन करे तो आप चाट पापी बना के दही चाट पापी बना के खा सकते हैं। चलो जी आप हम प्लेटिंग करते हैं बाकी दी आप फिर बाद बनाने। लो जी आप पापड़ियाँ बना लिया अद्धिया अद्धिया अपन बाकी पी हूँ आप प्लेटिंग तैयार करते हैं तो थोड़ू बाकी का समान दिखाने। ये आप दही ले लिया जी दही दे विच थोड़ी जी पीस के चीनी पाली चमचा 1.5 चमचा तो दही आप चंगी तरह फेंट लिया जी। उस तो बाद जी आप इमली की चटनी खट्टी मिठी घर बनाई हुई ये पुदीने धनिए की चटनी ये नमकीन चटनी है जी। तो है जी मसाला अपना मसाले दे विच आप लाल मिर्च नमक काली मिर्च का पाउडर काला नमक भुजा हुआ जीरा पाउडर चाट मसाला ये सारे मसाले अपने बना के रखे हुए आ। छोटे बरीक बरीक आप प्याज कट ले उबले हुए आलू ले ले जी आप आलू उबाल के बरीक कट लिया
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕੀਨ ਭੁਜੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪੜੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪਾਪੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਫਟਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਪਾਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਪਾਤੀ, ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਪਾਤੀ ਨਮਕੀਨ, ਅਤੇ ਭੁਜੀਆ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨਮਕੀਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਦਹੀਂ ਚਾਟ ਪਾਪੜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।